हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। आज आपके सामने है जनरेशन 3 ड्यूक 250। यूट्यूब के ऊपर आपको ड्यूक 250 के बारे में बहुत कम ही इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। पूरा यूट्यूब आपको ड्यूक 390 के ऊपर देखने को मिलेगा। सबने ड्यूक 390 को ही कवर करा है, पर हमने आज कवर करेंगे अपनी ड्यूक 250 को। ये भी बहुत ही बेहतरीन और वैल्यू फॉर मनी बाइक है अगर आप इस कैटेगरी में बाय करना चाहते हो, और इसका प्राइस भी आपको काफ़ी वैल्यू फॉर मनी लगेगा एज पर टू द कंडीशंस एंड एज पर द बाइक प्रोवाइड द परफॉर्मेंस। और क्योंकि इसे बहुत से लोगों ने कवर नहीं कराया, हम इसको कवर करते हैं और देखते हैं इसके बारे में सारे फीचर्स। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके इंजन की, तो इसमें आपको 248 सीसी का लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर FI इंजन देखने को मिलता है, जो कि DOSC है, यानी डबल ओवरहेड कैम वाला इंजन। बार जो इंजन है, ब्रांड न्यू इंजन दिया है। इसमें आपको LC4C इंजन देखने को मिलता है, जो कि आपकी इंक्रीज पावर निकालता है पिछली जनरेशन से। ये जनरेट करता है 31 PS की पावर, जो कि पिछली जनरेशन में आपको 30 PS की पावर देखने को मिलती थी। और इसमें टॉर्क भी थोड़ी इंक्रीज हो गई है। पिछली जनरेशन में आपको 24 Nm की टॉर्क मिलती थी, लेकिन ये वाली लेटेस्ट जनरेशन 3 जो है वो रिलीज करती है 25 Nm की टॉर्क, यानी 31 PS और 25 Nm की टॉर्क ये न्यू इंजन रिलीज करता है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंजेस करी हैं KTM इंजीनियर्स ने। और डिज़ाइन की बात करें, तो डिज़ाइन तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लगेगा ही देखने में सुपर ड्यूक वाला। और इसके जो सिबलिंग आया है 390, वो भी आपको बिल्कुल इस जैसा ही देखने को मिलता है। उसमें बस थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए हैं, जैसे कि इसका जो श्राउड है, टैंक श्राउड, तो टैंक श्राउड में आपको थोड़ा सा यहाँ पर कर्व सा देखने को मिल जाएगा, यानी इसमें कटआउट दे दिया है थोड़ा सा स्पोर्टी बनाने के लिए। बाकी ओवरऑल चीज़ सारी देखने को मिलेगी। फ्रंट में आपको यहाँ पे LED DRL मिल जाती है 390 के अंदर, लेकिन इसमें सिंपल है, बाद में कंपनी की तरफ से ही लगा सकते हो एज अ एसेसरी ऑप्शन DRL। और अगर देखें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा, अगर डिटेलिंग की बात करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग दी गई है इस बार KTM ने। इसके टेक्सचर देखिए आप, एकदम हनीकॉम टेक्सचर दे रखा है। तो डिटेलिंग में तो नो डाउट बहुत ही बढ़िया काम करा है KTM वालों ने। और अगर फ्रंट से लुक देखें तो काफ़ी डोमिनेटिंग लगने लगी है और ज़्यादा। पहले से ही KTM डोमिनेटिंग लगती थी, अब तो और ज़्यादा शार्पी और एजी कर दी है ओवरऑल डिज़ाइन लाइन में। अगर हम साइड लुक की बात करें, तो साइड लुक में आपको एक न्यू ही सब फ्रेम देखने को मिलेगा, यानी इसके अंदर जो इस बार फ्रेम यूज़ करा गया है वो स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम यूज़ करा गया है, जिसमें एक एल्युमिनियम सब फ्रेम है। या आप देख सकते हो, ये है इसका एल्युमिनियम सब फ्रेम। इससे बहुत सारे बेनिफिट हुए हैं ओवरऑल बाइक की हैंडलिंग और एजिलिटी के लिए। सी फ्रेम की वजह से आपको इसमें स्मॉलर हाइट देखने को मिलती है। हाँ जी, इस बार KTM ने अपनी सीट हाइट को थोड़ा रिड्यूस कर दिया है, यानी कि अब इजिली शॉर्टर राइडर भी इसको ईजिली ड्राइव कर सकते हैं। यानी अगर आपकी हाइट 5.5 से लेकर 5.7 भी है, तो आप इसको ईजिली ड्राइव कर सकते हो। इसकी सीट हाइट है 800 mm से 820 mm। बाई डिफॉल्ट ये कंपनी डीलरशिप में आपको 800 mm की देखने को मिलेगी, लेकिन आप इसे 820 mm तक इंक्रीज कर सकते हो। अब थोड़ा साइड की बात करें, तो साइड में आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा एक अलग ही चीज़। हाँ जी, इसका ऑफसेट सस्पेंशन, इसका सस्पेंशन इस बार साइड में दे दिया गया है, और इससे लुक थोड़ा सा एनहेंस ही हो जाता है ओवरऑल अगर बाइक का देखें तो। बाकी इसमें आपको 2 कलर देखने को मिलेंगे, एक इसमें ये कलर आता है और एक कलर और आता है जो कि है वाइट कलर, वो भी काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में। अच्छा, ओवरऑल बाइक की बात करें तो इसमें वही आपको LED टेल लैंप देखने को मिलते हैं, जो कि टी शेप के LED टेल लैंप है, और इसका जो लुक है ओवरऑल अच्छा लग रहा है देखने में। और अगर पीछे आएँ तो इसमें टेल टाइडी जो है वो भी बिल्कुल न्यू है। इसमें आपको फिन्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा टेल टाइडी के अंदर। इंडिकेटर जो है आपको LED देखने को मिलेंगे, वही इंडिकेटर जो कि आपको जनरेशन 1 से देखते आए हैं, इसमें भी आपको वैसे ही मिलते हैं। अब थोड़ा सा आते हैं, हम बात करते हैं टायर की। तो टायर साइज आप 150/60 सेक्शन का टायर देखने को मिलता है R17। ड्यूक 250 में आपको MRF के टायर देखने को मिलते हैं, और ये भी काफ़ी अच्छे टायर हैं, इसकी ग्रिप भी काफ़ी बढ़िया है। अगर हम बात करें साइड प्रोफाइल की, साइड प्रोफाइल में आपको अंडर बैली एग्जॉस्ट देखने को मिलता है। हाँ जी, इस बार अंडर बैली एग्जॉस्ट दे दिया है ड्यूक 250 और ड्यूक 390 में। इससे ओवरऑल क्या होता है, सेंटर ऑफ मास थोड़ा अच्छा हो गया है, इससे आप अपनी गाड़ी को काफी अच्छे से स्टेबल और कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि ये एक नेकेड बाइक है, तो आप स्ट्रीट में इसको काफी आसानी से निकाल सकते हो। अगर इसका अंडर बैली एग्जॉस्ट की वजह से बहुत ही नैरो जगह से आप आसानी से इसको निकाल सकते हो, तो एग्जॉस्ट की वजह से ये भी एक चीज़ अच्छी होती है। बाकी अगर हम बात करें इसके फ्रंट टायर की, तो फ्रंट टायर में आपको 110/60 R17 टायर देखने को मिलता है, वो भी MRF का। और अगर हम बात करें ब्रेक्स की, तो ब्रेक्स इसमें आपको ऑल न्यू ब्रेक्स देखने को मिलते हैं। तो इसमें आपको फ्रंट डिस्क मिलती है 320 mm की, और इसमें 4 पिस्टन कैलिपर देखने को मिलता है। और इसके ब्रेक्स अब और ज़्यादा ही अच्छे हो चुके हैं, पहले तो अच्छे आते थे, अब और ज़्यादा इसका बाइट और पंच काफ़ी अच्छा है। रियर में आपको 240 सेक्शन के डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है, और इसमें 2 पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर देखने को मिलता है बैक में, यानी कि 240 mm की रियर डिस्क देखने को मिलती है। फ्रंट में आपको 320 mm की डिस्क देखने को मिलती है। ओवरऑल डिस्क का डिज़ाइन, यानी ब्रेक डिस्क का डिज़ाइन भी थोड़ा चेंज कर दिया है, और इस बार जो फ्रंट में डिस्क आती है वो आपको राइट हैंड साइड देखने को मिलेगी, बल्कि पिछली जनरेशन में आपको लेफ्ट हैंड साइड देखने को मिलती थी। इससे क्या है कि KTM इंजीनियर्स और डिज़ाइनर का जो मानना है, वो कहते हैं कि इससे ओवरऑल बाइक का लुक बहुत अच्छा आता है।
अगर आप एक साइड से स्टैंड में देखें तो दोनों डिस्क आपको एक ही साइड देखने को मिलती है, तो ओवरऑल इसके एस्थेटिक लुक काफी अच्छा आता है। तो बाइक इधर से भी देखने में काफी प्यारी लग रही है। अब हम बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो यूट्यूब पर आपको बहुत कम ही वीडियो देखने को मिलेगी जो उसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाते हैं। इसमें बहुत ज्यादा अभी सस्पेंस था, बट मैं आपको इस वीडियो में दिखाना चाहता हूँ कि कैसा है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एलसीडी क्लस्टर देखने को मिलता है, वही 5 इंच का, बट ये कलरफुल नहीं है, ये कलरफुल टीएफटी डिस्प्ले नहीं है, लेकिन बाकी ओवरऑल जो भी चीजें हैं इसके अंदर वो सेम ही देखने को मिलती है जो ड्यूक 390 में मिलती है। बस थोड़े बहुत चेंजेस है, जैसे कि इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलता और लॉन्च कंट्रोल नहीं मिलता, तो वो सब चीजें। लेकिन ऑन दी गो अगर बात करें, जो पिछली जनरेशन आती थी ड्यूक 250 की, उससे तो काफी अच्छा है, क्योंकि जनरेशन 1 से ही वही सेम मीटर को देख देख के बहुत से लोग पक गए थे। बहुत टाइम से बहुत KTM लवर्स की वो आती थी कि यार ड्यूक 250 में आप चेंज कर दो, कम से कम LCD वाला दे दो। तो भाई KTM वालों ने सुन ली तुम्हारी और LCD वाला दे ही दिया। बाकी अगर हम बात करें इसमें, वही सेम आपको स्टीयरिंग कंट्रोल्स जो हैंडल कंट्रोल है वो देखने को मिलेंगे, वैसे ही जैसे आप ड्यूक 390 में देखने को मिलते हैं। इसमें भी आपको हजार्ड का स्विच देखने को मिल जाएगा, और साथ में ये जो इसका शेप है, इनके बटन्स हैं वो काफी अच्छे कर दिए हैं पहले से, और इनके कर्वी शेप दे दिया है, इधर भी देखिए आप। तो अब हम फीचर की बात करते हैं, इसमें क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं आपको इस मीटर के अंदर या इस कंसोल के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी, ट्रिप 1 देखने को मिलेगी, उसके साथ आपको ट्रिप 2 देखने को मिलेगी, और उसके साथ आपको यहाँ पर इंजन टेम्परेचर, फ्यूल लेवल और RPM मीटर देखने को मिलता है, स्पीडोमीटर एंड गियर शिफ्ट इंडिकेटर। बाकी यहाँ पे न्यूट्रल की लाइट, ABS की लाइट, और ये लिमिटर की लाइट, और इंजन चेक वाली लाइट, और ये ऑयल लाइट, ये सारी चीजें फीचर आपको इस कंसोल के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी अगर बात करें इसमें ABS की, तो इसमें आप ABS को भी कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि आप इसका रियर ABS को स्विच ऑफ कर सकते हो सुपर मोटो मोड में जाकर। रोड में आपको दोनों ABS वर्किंग मिलेंगे, और सुपर मोटो मोड में लगाओगे तो आपका रियर ABS स्विच ऑफ हो जाएगा, और उससे आप ड्रिफ्ट स्टॉपिंग वगैरह कर सकते हो। वैसे करना चाहिए आपको सेफ प्लेस पे जाकर ही, बाकी ये फीचर देता है KTM पहले से ही स्टार्टिंग से। और हम बात करें बैग्स की, तो उसमें बाइक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है, ये आपको मैंने जैसे बताया, इंजन टेम्परेचर, रेंज यानी कि आपकी बाइक कितने रेंज कवर करेगी, कितना फ्यूल है, और बैटरी के वोल्टेज, ऑडोमीटर कितना चल गया है, और सर्विस कब होने वाली है, सर्विस इंटरवल। बैग जाते हैं, फिर आपको उसमें ट्रिप इन्फॉर्मेशन आती है, तो ट्रिप 1, ट्रिप 2 ये तो आपका हो गया नॉर्मल। बाकी इसमें अब आता है नेविगेशन की, तो इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन देखने को मिलती है। उसके बाद आप इसमें ऑडियो प्लेयर भी देखने को मिल रहा है, जो कि ऑडियो प्लेयर है कि इसमें आप अपना फोन कनेक्ट करेंगे तो आप अपने वॉल्यूम स्विच ऑफ कर सकते हो, अपना नेक्स्ट ट्रैक लगा सकते हो ऑन दी गो चलते हुए बाइक में, आपको हैसल नहीं होगा। तो ये सारे फीचर्स अब आपको ड्यूक 250 में देखने को मिलते हैं। बाकी अगर बात करें इस बाइक के अंदर, यानी ड्यूक 250 में, आपको उसमें भी आपको राइडिंग एड्स देखने को मिलते हैं। हाँ जी, ड्यूक 250 में इस बार आपको राइड बाय वायर वाली टेक्नोलॉजी मिलती है, यानी कि आपको जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो काफी पंची हो गया है। अगर जैसे ही आप थ्रॉटल दोगे वैसे ही आपकी बाइक रिएक्ट करेगी, तो वो काफी अच्छी चीज हो गई है। इसमें क्यूक शिफ्टर प्लस भी देखने को मिलता है इस बार, यानी कि आप अपशिफ्ट और डाउन शिफ्ट विदाउट द क्लच कर सकते हो विदाउट थ्रॉटलिंग डाउन, तो काफी सीमलेस परफॉर्मेंस मिलेगी देखने को आपको। और इसमें सुपर मोटो ABS भी दिया गया है कि वैसे आप अपने रियर ABS को स्विच ऑफ कर सकते हो। 250 में भी आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है, ये रहा यहाँ पर कंपनी ने, KTM ने इस बार ऑप्शन दिया है, पहले आपको नहीं मिलता था देखने को। तो काफी सारी चीजें चेंज कर दी हैं, बल्कि ओवरऑल जो बाइक है पूरी ब्रांड न्यू कंडीशन में आई है, यानी कि जनरेशन 3 जो है वो बिल्कुल न्यू है। इसमें आपको बहुत सारी चीज चेंजेस देखने को मिले हैं जो मैंने आपको बताया। एस्थेटिक की बात करें तो कूलेंट जो रिजर्वेयर है वो यहाँ पर दे दिया है, पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलता था। तो आपको मैं अभी दिखाता हूँ इसका एग्जॉस्ट नोट चेक करिए आप ड्यूक 250 का, वो अभी चेक करते हैं हम ड्यूक 250 का एग्जॉस्ट नोट, ये आप चेक करिए। तो एंडर वैली से एग्जॉस्ट का तो फायदा है ही, यही है ड्यूक 250 का एग्जॉस्ट नोट। इसका ओवरऑल लुक जो है एस्थेटिक बिल्कुल सेम ड्यूक 390 जैसा ही है, और स्टार्टिंग से ही दो बाइक जो होती है इनकी कैटेगरी में वो सेम ही आती है, ड्यूक 390, ड्यूक 250। एक ड्यूक 390 आपको पता है बहुत बड़ी हो जाती है थोड़ा सा, अगर आप एज अ बिगिनर हो तो आप चूज करना ड्यूक 250 ही, वो 390 की पावर कुछ ज्यादा ही होती है, एज अ बिगिनर उसको संभालना मुश्किल होता है, बंदे ले तो लेते हैं फॉर्म में, बट वो चीज़ थोड़ी सी वो हो जाती है कि आप उसको हैंडल करने के लिए पहले आप एक छोटी बाइक ही लें। और अगर आपका बजट इसी रेंज में है, इस रेंज में आपको अपाचे की RTR 310 भी देखने को मिलती है, और वो थोड़ा सा 10-15 हज़ार है, उसमें बहुत सारे फीचर्स दे दिए हैं, लेकिन वही वाली बात है, फीचर्स से काम नहीं चलता, आपको एग्जैक्ट परफॉर्मेंस चाहिए। अपाचे TVS RTR 310 है, उसका जो इंजन है उसमें काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन इशू भी है, तो उसमें वाइब्रेशन की दिक्कत आती है, लेकिन आपको पता है कि ड्यूक जो 250 का इंजन है
वो इनकी 390 और 125 और 200 सीसी से भी काफी स्टेबल इंजन है। ये क्वार्टर लीटर का इंजन ड्यूक केटीएम का काफी बढ़िया माना जाता है कंपनी का, और ये काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देता है, और ये इतना हीट भी नहीं होता है। और अगर हीट से मेरे को एक चीज याद आई कि इस बार इसमें रेडिएटर भी आपको कर्व रेडिएटर देखने को मिलता है, जिससे ऑब्वियस सी बात है इसमें अब आपको ज्यादा एयर जाएगी तो ज्यादा से कम हीट होगी। तो होप इस बार की जो KTM न्यू जनरेशन आई है वो थोड़ी कम हीट होगी एज कम्पेयर टू पिछली जनरेशन। बाकी इसके मिरर के डिजाइन की बात करें तो इसमें मिरर भी इस बार काफी अच्छे डिजाइन के साथ आते हैं, और ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है ना इसे टच करने के बाद फील करने के बाद काफी अच्छी लग रही है इस बार की बिल्ड क्वालिटी, एकदम रोबस्ट। इसके पेंट की फिनिश भी देखिए आप, काफी अच्छी है। यहाँ पे आपको मैट कलर देखने को मिलता है और यहाँ पे ये पैनल ग्लोसी देखने को मिलते हैं, तो ओवरऑल पेंट स्कीम और पेंट की क्वालिटी काफी बढ़िया लग रही है। और यहाँ पर छोटी छोटी चीजों पर डिटेल को काम करा गया है, जैसे कि ये ब्लैक कर दिए हैं पूरे, बाकी ये एल्युमिनियम में होते हैं ना तो ये ना व्हाइट शूज है तो ब्लैक कलर की एक स्क्रैच छोड़ देते हैं और काफी बुरे लगते हैं भद्दे से। फ्रंट में आपको ये एलईडी डीआरएल मिलते हैं जो हमेशा ऑल टाइम चलते रहते हैं इस समय, और बाकी अगर आप देखते हो 390 में वो आपको एलईडी डीआरएल अलग तरह के मिलते हैं जो कि काफी बढ़िया से लगते हैं। ओवरऑल इस बाइक का लुक भी आपको एकदम 1290 ड्यूक जैसा ही देखने को मिलेगा, तो फ्रंट से आपको बहुत ही एजी शार्पी मॉन्स्ट्रस लुक देखने को मिल रहा है इस बार की ड्यूक 250 का भी। तो बाकी इसकी ऑन रोड दिल्ली में प्राइस पड़ती है 2.76 लाख, और अगर आपको दिल्ली शाहदरा में अगर बाइक लेनी तो आप यहाँ पर मैं आपको मनीष जी का नंबर दे दूंगा, आप यहाँ पर आ सकते हो और आपको बहुत जल्दी यहाँ पर बाइक देखने को मिल जाएगी, क्योंकि अभी भी दिल्ली के अंदर बहुत से शोरूम में आपको ये बाइक अभी नहीं आई जनरेशन 3, तो यहाँ पर आपको आसानी से बुक कर सकते हो और आपको जितनी जल्दी होगा यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।